देखिए, जनता में तो बिल्कुल माहौल है इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए पूरे देश में। मैं कल और आज दो दिनों में जितने कॉल्स आ रहे हैं, जितने लोगों से बात हो रही है, जनता ये के बीच की बातों को वो हमारे सामने रख रहे हैं और बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं, भाई कोई भी एग्जिट पोल दिखाए, गोदी मीडिया कितना भी बहकावे की बात करे, लेकिन रिजल्ट कल जो है इंडिया गठबंधन के साथ होगा, ऐसा जनता खुद आह्वान कर रही है और जनता ने ही इस पूरे चुनाव को लड़ा है। मेरे पूरे राजनीतिक करियर में मैंने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा, जनता खुद इंटरेस्ट ले रही थी, जहां कैंडिडेट हमारे एजेंट्स या हमारे लीडर्स नहीं पहुंच रहे थे, वहां जनता पहुंच के इस चुनाव को देख रहे थे। इसलिए बिल्कुल साफ है कि कल जब सुबह पेटी खुलेंगी तो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स जीतेंगे और इस बार जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है, बदलाव होगा तो बदलाव होगा। प्रभाव पड़ता अगर जो है उन्होंने सही तरीके से मंदिर का शिलान्यास के बाद अगर सही तरीके से उद्घाटन, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जिस जगह पर पूर्ण रूप से मंदिर तैयार नहीं हो उसका उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, ऐसा हिंदू धर्माचार्यों का कहना है। चारों जगत गुरु जो थे, शंकराचार्य चारों नाराज थे, वो जो है इस सरकार के विरुद्ध हो गए, तो इसलिए मंदिर का मुद्दा नहीं आया। और आपने स्वयं देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूंगा लोगों को कि पूरे देश में कहीं मंदिर का मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि जिस चीज के लिए अयोध्या में आंदोलन हुआ और मंदिर बनना था, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ एक भी गरीब आदमी, एक भी छोटा आदमी मंदिर के आसपास भी नहीं फटकने मिला, तो लोगों को ये लगा कि ये हमारे लिए नहीं है, ये कुछ चंद लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुत्व का कोई भी मुद्दा इस चुनाव में मोदी जी और मोदी मंडली या मोदी की गोदी मीडिया कहीं भी लागू नहीं करा सकी और कहीं भी पूरे देश के इस चुनाव में पोलराइजेशन नहीं हुआ जो वो चाहते थे। वो जो जो मुद्दा लेके आए, मुसलमानों का अगेंस्ट लेके आए, ओबीसी के विषय पर लेके आए, रिजर्वेशन के विषय पर लेके आए, हम मुसलमानों को इस मुल्क में रहने नहीं देंगे, सबको पाकिस्तान भेज देंगे, जितनी कोशिशें उन्होंने किया वो सब फेल गया, कहीं भी कोई आदमी देश में रिएक्ट नहीं किया। न सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूं बल्कि इस देश के सेकुलर हमारे हिंदू भाइयों ने भी इस बात पर जमकर इंडिया अलायंस के साथ खड़े रहे और उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो सबकी बात सुने, किसी धर्म विशेष की या किसी और की जहां कोई भी बात नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के तहत चलने वाली सरकार चाहिए और देश का संविधान बचा रहे, इसी पर काम करना चाहिए ना। इसलिए भी रह जाएगा, आप स्वयं सोचिए ना कि आप इतने दिनों से इलेक्शन देख रही होंगी, जब वो पीक पर हिंदुत्व था, जब उनके पास 100% वो सीट जो है उत्तर प्रदेश में थी, दिल्ली में थी, हरियाणा में थी, आपके राजस्थान में थोड़ा बहुत कम था लेकिन ज्यादा सीट थी, गुजरात 100% था, तो इस बार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं या जो लोग हैं वो लोगों ने बता दिया कि पूरा साउथ उनके साथ नहीं खड़ा है, एक बंगाल उनके साथ नहीं खड़ा है, महाराष्ट्र की पोजीशन आप स्वयं देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र पिछली बार उनको 42 सीट के आसपास दिया था वो इस बार कहीं उनको 20-30 भी नहीं देने को तैयार है, तो हर जगह वो घट रहे हैं, तो 400 लाएं कहां से? अब उस 400 के लिए तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी सीटें जोड़ ले आए, मोदी जी हैं कुछ भी संभव है, तो बात अलग है। मोदी जी जो था, किसी को भी एक अधिकार है कि वो अपने धर्म के प्रसार प्रचार के लिए जाए, अगर वो संत महंत है तो, बाकी आदमी के लिए है कि वो अपने धर्म को माने और उसे अपने धर्म पर चले, ये सबके लिए आजादी है, लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आता है कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है और आप उसको 57 सीटों पर इलेक्शन होने थे और वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो उस ऐसे हालत में, क्योंकि उनको पता है कि कल वो जब चुनाव हार जाएंगे वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, फिर ध्यान दें वो, अगर फिर ध्यान साधना में वो जाएंगे तो क्या ये भारत की मीडिया उनको कवर करेगी? क्या ये जितने पैसा सरकार का करोड़ों करोड़ रुपए बर्बाद हुआ वो उस पैसे का वो अपने घर से या उनकी पार्टी पैसा देके करेगी क्या? इससे ये उन्होंने देश के पैसे का भी दुरुपयोग किया, धर्म का अनादर किया और देश के लोकतंत्र का के साथ मजाक किया उन्होंने, और उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उन पर कार्रवाई हो ऐसी भी मांग मैं करता हूं।